उज्ज्वला योजना पार्ट टू के शुभारंभ के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन नेक्सी भवन के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक फतेह बहादुर सिंह, विपिन सिंह, शीतल पांडे, विमलेश पासवान, संगीता यादव के अलावा सभी गैस एजेंसी के डीलर मौजूद रहे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्ज्वला योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि उज्ज्वला योजना से ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब महिलाओं को भोजन बनाने में काफी राहत मिलेगी। उन्हें एक गैस चूल्हा और सिलेंडर निःशुल्क दिया जाएगा और वे महिलाएं सम्मान के साथ अपनी जीविका का निर्वहन कर रही हैं। इस मौके पर वर्चुअल रूप से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उज्ज्वला योजना के तहत दिए जाने वाले गैस कनेक्शन के संबंध में जानकारी दी। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अखिलेश और विधायक शीतल पांडे ने कहा, किरण जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते प्रधानमंत्री जी, नमस्ते। किरण जी बताइए, ये आपके साथ किसको बिठाया है आपने? ये हमारी बिटिया है। क्या नाम बेटी का? साधना नाम है। सुनाई नहीं दिया, क्या नाम बेटी का? साधना, साधना नाम है। अच्छा, पढ़ती है बेटी जी? अच्छा, और आप परिवार में और कौन क्या करते हैं? सर, हमारे पति काम करते हैं बाहर और हम रोजगार का काम करते हैं, बांस का काम करते हैं, बीना बनाते हैं, पंखे बनाते हैं और जो डलिया बनाते हैं उसके साथ सिलाई करते हैं और अंत्योदय जो ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर हम समूह भी चलाते हैं। तो ये गैस मिलता है, इस बात का आपको पता कैसे चला? सर, हमारे अनुभव एचपी गैस कनेक्शन से हमारे जो भैया लोग हैं हमारे वहाँ से आए थे और यहाँ पे कैंप लगा के हम लोगों को बताए थे। अच्छा, तो बेटी पढ़ती है तो उसको अभी खाना वाना पकाना सिखाया होगा, तो उसको तो गैस से खाना पकाना अच्छा लगता होगा। जी, बहुत अच्छा लगता। गैस खत्म हो जाए तो कभी राजी नहीं होती खाना बनाने को। अच्छा, आपको ये गैस का कनेक्शन मिलने से बहुत मदद हुई होगी? बहुत। अब समय भी बचता होगा? हमारे पास पूरा समय बचता था, बचता है। पहले तो ऐसा होता था कि काम करके हम थक जाते थे, कभी कभार खाना ही नहीं बनता था घर पे, शाम को आके ऐसे ही सो जाते थे। इस समय में तो और सर, बरसात होने की वजह से कितने लकड़ी सुखवाओ और चाहे काम ही कर लो। तब बारिश में तो एकदम सुविधा हो गई आपको? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और हमारे जो एचपी गैस कनेक्शन के कर्मचारी हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहुत हेल्प करते हैं। आपका स्वयं सहायता समूह है और आप खुद भी कुछ न कुछ आर्थिक उपार्जन का काम करती हैं। आपने इस योजना के बारे में, आपके जो मंडल बना हुआ है, सब महिलाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या उनको इसका लाभ बताया और उनको भी फायदा हुआ है क्या? जी जी, बताया है। सब अपना अपना कारोबार करती हैं, जो है लेके करती हैं और अपना काम करके कोशिश करती हैं। सर, यही लॉकडाउन में लग गया तो थोड़ा बहुत पैसा फंस गया, इसके लिए आपसे अनुरोध है कि कुछ आप नजरिया उनके ऊपर। तो उनको गैस कनेक्शन मिल गया जो हमने कर्ज लिया है? जी जी, सबको मिल गया है, वो हमारे साथ ही पा गए हैं सब लोग। अभी जो मैं गरीबों के लिए अनाज मुफ्त में पहुंचाता हूँ, वो भी मिला है क्या उन सबको, लोगों को? जी जी, हर महीने मिल रहा है, महीने में दो बार मिल रहा है। अच्छा, बेटी कुछ कहना चाहेगी? बेटी क्या पढ़ती हो? इंटर में। अच्छा, खेल कूद में भाग लेती हो कि नहीं लेती हो? क्या सर? खेल कूद में हिस्सा लेती हो? नहीं सर, अभी नहीं लिए। नहीं लिया? मम्मी ली थी। किरण जी, ये जानकर संतोष हुआ कि आप लोगों को गैस कनेक्शन मिलने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि आप में से बहुत से लोगों के घर पर आकर ये सुविधा दी गई है। 2014 से पहले हमारे देश के गरीब को किसी भी सुविधा के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे।
छोटी चीज के लिए भी उनको जाना पड़ता था। हम इस स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी बहनों से बात करने से ये लगा कि अब इन कोशिशों का असर दिखना शुरू हुआ है। जी हम भी आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई जैसे हैं और पिता सम्मान है, जो भी हैं आपने हमारी मदद की, हम गरीब महिलाओं की दर्द को समझाएं। आप सब बहनों का आशीर्वाद बना रहे। हमारा आशीर्वाद जिंदगी भर, हमारी उम्र लग जाए आपको, ऐसे ही आप बने रहें। हम पेट्रोल में 10% ब्लेंडिंग की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण का भी, इतना किसानों को पैसा भी ज्यादा मिलेगा। 5 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा गया है। यूपी में बनाई गई कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए यूपी के 70 जिलों के 3 बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। मैं अपने आप को धन्य अनुभव करता हूँ। आपके आशीर्वाद हमेशा बने रहे। 130 करोड़ देशवासियों की सेवा के लिए जी जान से जुटे रहे, इसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है अखिलेश कुमार। ये उज्ज्वला उज्ज्वला का कनेक्शन वो है जो महिलाओं के सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है। ये उज्ज्वला का दूसरा फेज है। इसके तहत पूरे ऑल इंडिया में 1 करोड़ कनेक्शन बांटे जाएंगे। 30,000 पे इनको कनेक्शन मिलेगा उनका। सर जो 14 पॉइंट डिक्लेरेशन एक फॉर्म होता है सर, तो वो खुद अपना डिक्लेरेशन फॉर्म भर के देगा कि हमारे पास ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। और इसके अलावा उसको राशन कार्ड में जितने फैमिली मेम्बर हैं उनमें से अगर किसी के नाम से कनेक्शन नहीं है तो उनके घर में एक जो महिला होगी उसको उज्ज्वला योजना का लाभ मिलेगा। इस बार जो योजना लॉन्च हुई तो क्या इसका पैसा भी लगेगा सिलेंडर का? हाँ, इसमें एक चूल्हा और एक सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। उसके बाद इनको लेना पड़ेगा, रिफिल कराना पड़ेगा, फिर रिफिल इसके बाद करवाते रहेंगे सेकंड टाइम, लेकिन फर्स्ट टाइम जो मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो प्रधानमंत्री जी के उदारता का ये प्रतीक है कि गांव में जो महिला निरक्षर है, असहाय है और विकास की कोई संभावनाएं गांव में अन्य जगह की अपेक्षा कम होती हैं, वो भी हमारा इलाका जहां हो रहा है महिला शिक्षा, वो इंटीरियर इलाका है, ऐसे जगह महिला से साक्षात्कार लिया जाए तो हम उसको बहुत बहुत सौभाग्य मानते हैं, धन्यवाद मानते हैं। दादाजी कितना लाभ मिलेगा इससे? लाभ ये जो उज्ज्वला गैस टूर्स की योजना है, पहले आप जानते हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारी माँ स्वयं चूल्हा फूकती थी तो उनका फेफड़ा और आँख दोनों खराब हो गया। तो जो औरतों की औसत आय 40 वर्ष थी चूल्हा और लकड़ी के धुएं से, आज गैस से 55 के आसपास औसत आय मान ली गई। तो इस उज्ज्वला 2 से कम जो महिलाएं लकड़ी से खाना बनाती थी, सही है कि कई राउंड में ये गैस दिया गया उज्ज्वला, लेकिन अब ये जो A2 की योजना चलाई जा रही है, हमें आशा है कि अन्य जगह भी ये सुविधाएं पहुंच जाएंगी, जिससे हमारी माँ बहनों की आय और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहेगा।